हेलो माय लवली व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई एम नीलू एंड यू आर वाचिंग तड़का विद स्टाइल। सो फ्रेंड्स, आज नवरात्रि स्पेशल में जो हम आपके लिए बिल्कुल यूनिक रेसिपी लेकर आए हैं वह है क्रिस्पी पोटैटो नगेट्स। जी हाँ, हमने ये डिश ट्राई करी और बहुत ही टेस्टी बनी, तो सोचा आप लोगों से भी ये रेसिपी हमारी शेयर करी जाए। तो इसके लिए हमें चाहिए मैश पोटैटोस। तो हमने यहाँ पे मैश्ड आलू लिए हैं, बॉयल करके इनको मैश कर दिया है। यहाँ हमने लिया है हरी मिर्च और धनिया, और यहाँ हमने लिया है सेंधा नमक और काली मिर्च, एंड देन हियर वी हैव साबुदाने का पाउडर। तो इसमें हमने क्या किया है, जो साबुदाने होते हैं ना, उनको क्विकली ब्लेंडर में बिल्कुल बारीक पीस लिया है। सो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। तो झटपट बनने वाले ये हमारे आलू के क्रिस्पी नगेट्स किस तरह बनाने हैं देखते हैं। तो यहाँ हमने बॉइल्ड एंड मैश्ड आलू में हमने लिया है नमक एंड काली मिर्च अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। फिर हमने इसमें डाला है चॉप्ड ग्रीन चिलीज एंड कोरिएंडर, तो इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ हमने लिया है साबुदाने का पाउडर। जी हाँ, इससे इसको जो हम बना रहे हैं नगेट्स, इसको क्रिस्पीनेस एंड बाइंडिंग दोनों मिलेगी। तो फटाफट से इसका डो लगाते हैं। तो ये साबुदाने का पाउडर आपको उतना लेना है जितना कि हमारा अच्छे से सूखा सूखा डो लग जाए, सारा मॉइस्चर आलू का चला जाए। तो ये आपको अकॉर्डिंगली देख लेना है। हमने यहाँ पर 3/4 कटोरी साबुदाने का पाउडर लिया है, लगभग 3 बॉइल्ड एंड मैश आलू के लिए। हमारा ये डो तैयार है और अब हम इसके नगेट्स बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे प्लेटफॉर्म को घी से ग्रीस करेंगे। अब हमें क्या करना है, ये हमारा जो डो है उसको हाथ से पैट करके फैलाना है। तो देखिए, इस तरह हमने इसको हमारे प्लेटफॉर्म पे फैला दिया है। तो अब आप इसको किसी भी शेप में बना सकते हैं, काट सकते हैं। हम यहाँ पर इसे राउंड शेप में काटेंगे। तो चलिए बताइए किस तरह। तो हमारे पास ये साँचा है जिसे हम यूज़ करके हमारे नगेट्स बनाएंगे। तो देखिए, तो फटाफट 2 ही मिनट में बनने वाली है ये व्रत की रेसिपी। तो इस नवरात्रि में ज़रूर ट्राई करिएगा। इफ़ यू लाइक द रेसिपी, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हम आपके लिए बहुत सी बेहतरीन रेसिपी इस नवरात्र स्पेशल में लाने वाले हैं, जिसे बनाकर और खाकर आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए, यहाँ हमने ऑयल चढ़ा दिया है और क्विकली इनको ऑयल में ट्रांसफ़र करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ट्रांसफ़र करने के बाद जब तक ये थोड़े ऊपर नहीं आ जाते, दिखने नहीं लग जाते, तो तब तक आपको इसे छेड़ना नहीं है। थोड़ा सा इनको फ्राई होने देंगे और फिर इनको टर्न करेंगे। तो देखिए, ये हल्के ऊपर होकर ऊपर आ गए हैं, तो इस स्टेज पे हम इन्हें टर्न करेंगे और सेकेंगे इनको गोल्डन ब्राउन होने तक। तो देखिए गाइस, कितने सुंदर हमारे ये नगेट्स बनके तैयार हो गए हैं। तो आप भी बनाइए इस नवरात्रि पर और सबको टेस्ट से इसके सरप्राइज करिए। और ये है हमारी व्रत वाली कोकोनट चटनी। आप इसे कोरिएंडर चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, और याद रखिएगा, लाइफ इज ब्यूटिफुल।